कोई नहीं था गोशे बर आवाज, फिर भी वो सरगोशियों में करती रही बात रक्स में। हमारे यहाँ का इलाकाई रक्स इस कदर रंगारंग और इस कदर खूबसूरत है कि हम बड़े एतमाद के साथ पूरी दुनिया से सकाफती जंग जीत सकते हैं। फोक डांसेस जो हैं उनकी भी जब तक मैं देखता था और मुझे पता नहीं था डांस का इतना ज़्यादा, तब तक मैं यही सोचता था कि मतलब ये नॉर्मल है, जिस तरह भंगड़ा हो गया या लुड्डी है या ये है। लेकिन जब सीखना शुरू किया तो पता चला कि इनकी भी टेक्निक है। अगर मतलब आप उस टेक्निक के साथ उसे करते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है या ज़्यादा वो उभर के सामने आता है। गिलगित बल्तिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान हो या सिंध, हर कोई नाच पे और रक्स पे फख्र करता है। लेकिन जब बात पंजाब की आती है तो कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कुछ मसला है, कोई इज्तनाब है पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब में रक्स से, कि यहाँ पे रक्स की रिवायत तो है लेकिन बहुत पोशीदा किस्म की है, कि लड़कियां बालियां जो चांदनी रात में गिद्दा डाल लेती हैं या मर्दों से दूर हो के, मर्द कतई तौर पे मुजर समझते हैं, और वो जो भंगड़ा वगैरह है वो उसके भी ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे यानी हमारे सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में, मतलब किसी को कुछ इज्तनाब नहीं। अब आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तो बच्चा बच्चा जो है उनकी जो मूवमेंट आप देखें वो, क्योंकि बचपन से ही वो रक्स करते हैं। हमारे एक दोस्त फजल साहब, तो उन्होंने वो एक पहाड़ी के ऊपर शालीमार टाइप उनके मामू का घर था, तो हमें उन्होंने इनवाइट किया और वो बार बार फजल साहब कहें कि ताहिर साहब मेरा मामू बहुत अच्छा नाचता, बहुत अच्छा नाचा वो। अच्छा, अब मुझे अजीब सा लगे कि मामू जान के बारे में, तो बहरहाल वो मामू जान आए और मामू जान ने अपने भांजे के साथ वहाँ पे रक्स किया, तलवार वगैरह पकड़ के। लेकिन बाहर तौर वो बहुत अच्छा वाकई रक्स करते थे। तो मैं यही सोचता रहा कि मैं अगर कहीं ये कह दूँ कि मेरे मामू जो हैं बहुत अच्छे नाचे हैं पंजाब में, तो बड़ी मसाइल हो जाएंगे। लम्हों का इल्तिफात कहीं आरजी ना हो, मैं कर रहा था खुद से सवालात रक्स में। रक्स और नाच बज़ाहरन एक दूसरे के मुतरादिफ मालूम होते हैं, लेकिन माहिरीन इस सवाले से कुछ हसास वाक़े हुए हैं। जिस एक शहर के अंदर आपका एक कमर्शियल रक्स हो रहा है, गली है जहाँ के औरतें नाच रही हैं और किसके लिए, मर्दों की खुशी के लिए नाच रही हैं, तो वो नाच है, वो कमर्शियल है, उसमें पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से वो कर रही हैं, उसको क्यों आप रक्स में गिन रहे हैं? जो आप मुजरे वाले सॉन्ग हैं, ठीक है, जो उसके लिरिक्स हैं, उससे आप क्या मोटिवेट कर सकेंगे? दैट्स पर्पस इज जस्ट फॉर अर्निंग मनी, दैट्स इट। वो टोटली एक चीप एंटरटेनमेंट का जरिया है, उसका जो बुनियादी रक्स है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये, उसे हम रक्स कहेंगे ही नहीं, वो नाच में आता, और उसमें ज़ाहिर बात है कि उस तरह के उसकी उनकी कॉस्ट्यूम इस तरह का होगा या उसकी कोरियोग्राफी इस तरह की होगी या उनके एक्सप्रेशंस इस तरह के होंगे सेडक्टिव किस्म के, कि वो उसको हम रक्स में शामिल ही नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रक्स क्या है? रक्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। रक्स असल में है क्या? रक्स है रूह की अक्कासी। रक्स आपकी रूह की अक्कासी, आप जो अपने अंदर से जैसी आपकी रूह है उसका आप मैसेज अपनी मूवमेंट से दे रहे हो, उसे हम रक्स कहेंगे।